इन सी टू कंजरवेशन कंजरवेशन के बेसिकली दो वी कैन से दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन दन इज कॉल्ड इन सी टू एंड द अदर इज कॉल्ड एक्स सी टू वी आर डिस्क्राइबिंग इन सी टू दैट दिस इज ऑन साइट कंजर्वेशन अब इसका क्या मतलब है कि हमने ऑन स्पॉट जो भी ऑर्गेनिजम है इन्वायरमेंट है उसको उसी जगह पर रहते हुए उसकी नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है या उसको कंजर्वेशन प्रोवाइड करनी है सो दैट इज कॉल्ड एज इन सी टू कंजरवेशन सो दिस इज द ऑन साइड इन प्लेस कंजर्वेशन इज़ अ सेट ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक्स दैट मे इन्वॉल्व द डेजिग्नेशन मैनेजमेंट एंड इवन मोनिटरिंग ऑफ द बायोडावर्सिटी इन द सेम एरिया वेयर इट इज एनकाउंटर्ड लाइक से फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास कोई इको है कोई आ, जो जो किसी ना किसी पोल्यूशन या कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डैमेज हो रहा है अब बजाय इसके कि हम वहाँ पर आ, आ, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें कोई नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करें या कोई और एक्टिविटी करें हम वहाँ पर इस तरह के मैनेजमेंट प्लान्स लेके आए कि जो पोल्यूशन जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए वो एलिमिनेट हो जाए लोगों को ट्रेन किया जाए कि जी इन एक्टिविटीज़ को ना परफॉर्म करें क्योंकि ये नेचुरल इकोसिस्टम इज़ गोइंग टू तो बी डिस्टर्ब फॉरेस्ट फॉर इंस्टेंस अगेन इफ़ यू हैव स्पीशीज़ कोई पर्टिकुलर एनिमल है जो उस जगह पर uh, uh, किसी एक ख़ास जगह पर है और उसको वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको uh, थ्रेट्स हैं किसी भी रेफरेंस के थ्रेट्स हो सकते हैं उसको उसकी हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन है या कोई और मसले मिसाइल हैं तो हमें इस तरह की स्ट्रेटजीज ऑप्ट तो करनी चाहिए कि हम वहाँ पर जो उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको री करने की कोशिश की जाए डेफिनेटली जो एनिमल्स को प्रॉब्लम्स आते हैं वो उनकी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं जो एक मेजर थ्रेट किसी भी एनिमल को हो सकता है सो so, अगर हम उनकी नेचुरल uh, इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे उनके नेचुरल हैबिटेट को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे दैन द स्ट्रेटेजी देन द ऑप्शन देन द टेक्निक इज कॉल्ड एज इन सी टू कंजरवेशन सो दॉपर डेफिनेशन Uh, of the in situ conser conservation is actually the conservation of ecosystems and natural habitats, the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings, in the case of domesticated or cultivated species in the surroundings where they have developed their distinctive properties. This is the definition that is given by the Convention. न बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन नाइनटीन नाइन्टी टू अगेन जिसने हमने बात की कि हर वो स्ट्रेटी हर वो मैनेजमेंट प्लान जो ऑन स्पॉट चीज़ों को ठीक करे जिसमें सिर्फ स्पीसीज शामिल नहीं है उसकी इन्वायरमेंट भी शामिल है उसरांडिंगस भी शामिल है वो uh, तमाम की तमाम ऑप्शन को अवेल करने को हम इन सी टू कंजरवेशन कहते हैं अब uh, एक और चीज़ है कि शायद ये भी uh, uh, नेगेटिव परसेप्शन या यू कैन से एक रॉन्ग परसेप्शन ये डिवेलप होता है दैट दिस इज स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग ओनली द एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स ये बड़ी क्लियर बात है कि इसमें इन्वामेंट को भी ठीक करना सराउंडिंग्स को भी ठीक करना हैबिटेट को भी प्लान uh, करना उसको उसको मैनेज करना दैट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंसिटू कंजर्वेशन सो वट इज द पर्पज एंड यूज ऑफ इट इट एम्स टू इनेबल बायोडावर्सिटी टू मेंटेन इट सेल्फ विद इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द इको सिस्टम इन विच इट इज़ फाउंड एनेबल द स्पीसीज पॉपुलेशन टू सेल्फ रेप्लीकेट लाइक हमने उसको उसका नेचुरल इन्वामेंट प्रोवाइड करना है सेफ ग्राउंड देनी है ताकि वो सेल्फ रेप्लीकेट कर सके सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम हो हमें बार 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 जाकर उसको प्रोटेक्ट करना या कंजर्व करना इसकी ज़रूरत ना पेश आए इस तरह का सिस्टम डिवेलप होना चाहिए ये Uh, conservation key major aims and objectives. Hoti. So, to provide the self-replicate and maintain its potential for continued evolution. In situ management approaches can either be targeted at population of selected species or the whole ecosystem. As we have discussed, that this is not particularly for the species or the organism, this is for the whole ecosystem or for the whole environment as well. The in situ conservation covers a broad spectrum of situations ranging from the establishment of protected area, the design of sustainable management strategy for a particular habitat. Ab again, uh, isme jo badi important baat hai, it is for the establishment of protected area. क्योंकि uh, हमने जब स्पीशीज़ को नेचुरली प्रोटेक्ट करना है उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करनी है तो हमें कुछ सेफ़ जोन्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पर एनिमल्स को नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड की जाएँ वी कैन से अनटच्ड ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड्स की जाएँ ताकि वो एनिमल्स अपने आप को सेफली रिप्रोड्यूस कर सकें सो so, उन एरियाज़ को आप प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया इज़ द की फैक्टर जो इंसीटू कंजर्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं सो दीज आर दी कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द इंसीटू कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन इनिशिएटिव बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरिया अब जब हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है दिस इज़ नॉट ओनली विद इन द प्रोटेक्टेड एरिया जो इन सीटू कंजर्वेशन परफॉर्म की जाती है इन प्रोटेक्टेड एरिया से हट के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं जिनको अगर हम यूटिलाइज करें तो इन सीटू कंजर्वेशन कैन बी परफॉर्म्ड और कैन बी ऑप्टेड कैन बी अवेल्ड टू प्रोटेक्ट दी और टू कंजर्व द इकोसिस्टम और दी स्पीशीज इन में अगेन हैबिटेट डिस्टोरेशन इट्स रिकवरी और रिहेबिलेशन शामिल है strategies for the sustainable use and management of biological resources. Resources. is available. unco utilize kare maximally or sustainable system develop so that the things can, uh, can go uh, normally alone. recovery programs for nationally or sub-nationally threatened or endangered wild species. on form agricultural biodiversity conservation.

उनकी कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उनको फ्यूचर में जनरेट किया जा सके सिमिलरली देर इज अनदर स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग द जेनेटिक सेंचुरी और जीन मैनेजमेंट जोन्स अब इसमें जेनेटिक सेंचुरीज को आप इस तरह कह सकते हैं दैट दे आर दी जेनेटिक रिजर्व कंजर्वेशंस लाइक हमने उन जेनेटिक रिसोस की मोनिटरिंग करनी है कि क्या कोई कोई जीन किसी जीन पूल में से एलिमिनेट तो नहीं हो रहा द थिंग द जीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट शुड नॉट बी एलिमिनेटेड फ्राम द जीन पूल लाइक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की uh, किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है उसका नंबर डिक्लाइन हो रहा है वी मस्ट मोनिटर इट एंड प्रोवाइड द सेफ जोन्स जिनको हम जेनेटिक सेंचुरीज और जीन मैनेजमेंट जोन्स कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अलावा जो इंस्टीट्यू uh, कंजर्वेशन में हम इनिशिएटिव ले सकते हैं उनमें कंट्रोल ऑफ थ्रेट्स टू द बायोडावर्सिटी सच एज़ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ओवर एक्सप्लोइटेशन अब इसमें ये एक बात है लाइक जिस जगह पर ऑन स्पॉट हम प्रोटेक्शन uh, प्रोवाइड कर रहे हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज या मैनेजमेंट दे रहे हैं वहाँ पर किसी भी एक्स्ट्रा एलियन स्पीसीज़ को सो कॉल्ड एलियन स्पीसीज को इन्वेड uh, ना होने दिया जाए ताकि जिस जो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है उसको प्रॉपरली प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रोवाइड की जा सके अगेन द प्रजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसज के जो रूटीन में हम आ, जो जो स्ट्रेटजीज या जो प्रैक्टिस को ऑप्ट कर रहे हैं उनको भी कैरिंग ऑन किया जाए सो so दैट के जो एनिमल्स हैं या जो इन्वायरमेंट है उनको प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगूलेटरी लेजिस मैनेजमेंट एंड अदर फ्रेमवर्क नीडिड टू डिलीवर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड ऑबियसली इन तमाम की तमाम लेजिसलेटिव एक्टिविटीज़ के बगैर Uh, जितनी भी कंजर्वेशन प्लान हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं सो वी मस्ट अबाइड बाय ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशन वी मस्ट ओबे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम उस एनिमल को या उस इको सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द कंज़र्वेशन यानी अगर किसी एनिमल को वहाँ सेफ़ ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं तो वहाँ uh, कोई भी एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटी ना परफॉर्म की जाए समाइम लोग फॉर नथिंग फायरिंग कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एनिमल्स को डिस्टर्ब करती हैं और उनकी जो नेचुरल स्ट्रेटजीज uh, हैं या जो नेचुरल उनके तरीक़ेकार हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं सो so, हमें इन लेजिटिव या इन uh, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इनको प्रॉपरली ओबे uh, करना चाहिए ताकि जो एनिमल्स हैं उनको ऑन स्पॉट कंजर्वेशन प्रोवाइड की जा सके